गुड इवनिंग दोस्तों, मास्टर जीबी कॉन्सेप्ट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, कुछ टेक्निकल इरर्स की वजह से पिछले 10-11 दिनों से हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, बट नाउ ऑल द टेक्निकल सॉर्ट आउट्स आर क्लियर। सो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं फिजिक्स का एक नया वीडियो, और आज हम इसमें वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमने पिछली बार जहाँ से हमने छोड़ा था। तो दोस्तों, आखिरी बार हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा था और आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो दोस्तों, आज बिना देर के हम बात करते हैं कूलम के इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का। तो दोस्तों, कूलम का ये जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है जो आज हमें पढ़ना है, इस लॉ का क्या उद्देश्य है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्यों चाहिए हमें ये लॉ, कूलम ने ये लॉ दिया क्यों, क्या बताना चाहते थे वो, क्या नहीं पता था हमें पहले। तो दोस्तों, हमें ये तो पता था कि कोई भी दो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, या फिर अगर ये चार्ज एक जैसे नहीं है, डिससिमिलर है, अनलाइक है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ये हमें नहीं पता था, और यही कूलम्स लॉ हमें बताने वाला है। तो दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे कि हम कूलम्स लॉ में पता क्या करने वाले हैं, कूलम क्या बताना चाहते थे। सो इन शॉर्ट वी कैन से कूलम्स लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द रेस्ट चार्जेस। तो देखते हैं दोस्तों, कूलम क्या कहना चाहते थे। देखिए दोस्तों, कूलम ने जो कुछ कहा वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर निकले, ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने कहा। कूलम ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उस एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कूलम ने क्या देखा, ये समझते हैं। कूलम ने देखा कि अगर दो चार्जेस, मान लीजिए दो चार्ज है Q1 या Q2, तो कूलम ने ये देखा कि अगर हम इन दो चार्जेस जिनको हमने रेस्ट में रखा हुआ है, में से किसी भी एक चार्ज Q1 या फिर Q2, किसी भी चार्ज का वैल्यू बढ़ाते या घटाते हैं, तो कूलम क्या देखते हैं, अगर इस Q1 या Q2 का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो कूलम देखते हैं कि जो फोर्स है उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और कूलम ने एक और चीज़ देखी कि अगर हम इस Q1 या Q2 में से किसी का भी वैल्यू कम करें, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज कम कर दें, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम। बस यहीं से कूलम ने कहा कि जो फोर्स होता है, यहीं से कूलम ने कहा कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, यानी कि रेस्ट चार्जेस के बीच में लगने वाला, ये फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों, ये कूलम्स लॉ का पहला पार्ट है, या यूं कहें कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट का पहला पार्ट है, जो कहता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू रेस्ट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि वैल्यू ऑफ बोथ द चार्जेस। यही कूलम्स लॉ के पहला पार्ट है दोस्तों। देखिए, कूलम्स ने इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी। क्या देखिए कूलम्स ने, फिर कूलम्स ने देखा कि अगर दो चार्ज हमारे पास है Q1 और Q2, और अगर हम इन दो चार्जेस को एक दूसरे से एक फिक्स दूरी पर रखते हैं, r डिस्टेंस मान लिया जाए, तो कूलम ने देखा कि अगर दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दिया जाए, तो कूलम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है F, वो कम हो जाता है। वो इसके विपरीत, अगर हम दो चार्जेस को एक दूसरे से काफ़ी पास रख देते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर देते हैं, तो दोस्तों जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो क्या देखा कूलम ने, कूलम ने देखा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहीं कूलम की बात ख़त्म नहीं होती है। कूलम ने इस चीज़ को बड़े ही गौर से ऑब्जर्व किया और ये पता किया कि जब हम दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आर को बढ़ाकर 4 times करते हैं, तब फोर्स कम होकर कितना हो जाता है, 2 times हो जाता है दोस्तों। ठीक ऐसे ही अगर हम आर यानी कि डिस्टेंस को बढ़ाकर 9 times कर दें,
तो बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम होकर हो जाएगा 3 times दोस्तों। और इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस को 16 times कर दें तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स घटकर हो जाता है 4 times दोस्तों। ये सारी चीजें गौर कीजिए इन नंबर्स पर, 2 और 4, 3 और 9, 4 और 16। आपका मैथ्स अच्छा है, आप समझ पा रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, गुलाम ने भी यही देखा कि ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड तो करता है, लेकिन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है दोस्तों, बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर 3, 9, 4, 16, 2, 4, दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे पास कुलाम्स लॉ का दूसरा पार्ट आ चुका है दोस्तों, जो हमसे कहना चाह रहा है कि फोर्स जो लगता है दो चार्जेस के बीच में वो उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। तो अब कुलाम्स लॉ के दोनों ही पार्ट्स हमारे पास है, तो मैं अब आपके सामने कुलाम्स लॉ का कंप्लीट स्टेटमेंट रख देता हूं दोस्तों। ये देखिए कुलाम्स लॉ का कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा आपके सामने, ये देखिए। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये हम बात कर चुके हैं स्टेटमेंट का, अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव करते हैं। तो आइए चलते हैं इसका डेरिवेशन अब हम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने स्टेटमेंट में देखा, अब उस चीज को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि दो चार्जेस है Q1 और Q2। चार्जेस क्या मान ली हमने, Q1 और Q2, और इन दो चार्जेस को हमने रखा है एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, और तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है F। ये चीजें हमने कंसीडर कर ली, कंसीडर करना जरूरी होता है दोस्तों। जैसे ही हम ये चीज कंसीडर करेंगे, अब कुलाम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो क्या था स्टेटमेंट, कुलाम कहते थे कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F उन दोनों चार्जेस के जो कि Q1 Q2 है का प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमें मैग्नीट्यूड का। ये कुलाम्स लॉ के स्टेटमेंट का पार्ट वन है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। यही था कुलाम्स लॉ का पार्ट वन। और ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो पार्ट है कुलाम्स लॉ के स्टेटमेंट का वो है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोस्तों क्या होगा, आर स्क्वायर। यानी कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दो इक्वेशंस स्टेटमेंट से हमारे पास आ चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो एक नई इक्वेशन हमारे सामने आएगी बाय इक्वेशन 1 और 2, और वो नई इक्वेशन होगी एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 upon R square। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, ये नई इक्वेशन अब हमारे सामने है, F is proportional to Q1 Q2 upon R square। दोस्तों ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, आप जानते हैं फिजिक्स साइंस में जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ भी हम जब इस साइन को हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पर है K, और आगे Q1 Q2 upon R square, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 3। तो दोस्तों ये जो फॉर्मेट हमारे पास आया है यही वैसे तो कुलाम्स लॉ है या कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला है, पर हम थोड़ा डिस्कशन इस K पर कर लेंगे तो हमें एक्चुअल फॉर्मेट में ये फॉर्मूला मिल जाएगा दोस्तों। थोड़ी बात आगे कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इस K की वैल्यू की, जो कि अलग अलग होती है SI सिस्टम में या फिर CGS सिस्टम,
तो दोस्तों अब हम थोड़ी बात इस के पर कर लेते हैं, इस के वैल्यू पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस के का वैल्यू एसआई सिस्टम में अगर हम देखें, इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, तो दोस्तों इन एसआई सिस्टम में इस के का जो वैल्यू होता है वो होगा 1/4 pi epsilon naught। दोस्तों ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट। और इसका एक फिक्स वैल्यू होता है जो कि है 8.85 × 10⁻¹². और ऐसा यूनिट भी आपको लिखना पड़ेगा इसका। तो ऐसा यूनिट कहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से ही हम बना लेंगे इसका ऐसा यूनिट। इसका ऐसा यूनिट एक्चुअल में होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दोस्तों बना के भी बता दूंगा आपको कैसे ये एसआई यूनिट हमारे सामने है। तो दोस्तों के का वैल्यू होता है ये एसआई सिस्टम में। और अगर आप इसके सारे वैल्यूज न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ रख दें, यानी कि 1/4 × π का वैल्यू जो कि होता है 3.14 × ε₀ का वैल्यू जो कि होता है 8.85 × 10⁻¹², तो इन सभी को कैलकुलेट करने पर के का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा 9 × 10⁻¹। यही वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कूलाम्स लॉ का कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो के का वैल्यू हमारे पास है, इस के वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें जो कि इक्वेशन 3 है हमारा, तो बाय इक्वेशन थ्री फाइनल फार्मूला हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दोस्तों के की जगह हम रख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught q1 q2 r² या फिर और करके हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह 9 × 10⁻¹ q1 q2 r² और चूंकि हम फोर्स की बात करते हैं ऐसा नीट हो जाएगा न्यूटन। और जब हम इस K की बात कर रहे हैं तो इसका ऐसा नेट भी हमें लिखना पड़ेगा जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। K का ऐसा नेट कैसे देखेंगे, K को अगर यहाँ से अकेला आप छोड़ेंगे तो K इज इक्वल टू F × r² / q1 q2। F मतलब न्यूटन, R मतलब मीटर का स्क्वायर, अपॉन में q1 q2 यानी कि कूलाम का स्क्वायर। तो ऐसा नेट यहाँ पर बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। दोस्तों तो ये जो फार्मूला आपके सामने है यही कूलाम्स लॉ का एक्चुअल फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमें बताएगा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है। दोस्तों तो ये तो बात हो गई कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की, लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब भी हम कूलाम्स लॉ की बात करते हैं तो इसके साथ ही हमें एक और चीज़ की बात करनी होती है, उसका नाम है यूनिट चार्ज। तो देखिए यूनिट चार्ज क्या होता है, बड़े बेसिकली हम उसे डिफाइन करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यूनिट चार्ज से हमारा मतलब क्या होता है, यूनिट चार्ज एक स्पेशल केस होता है दोस्तों। जैसा कि हमारे पास फार्मूला अभी आया है F = 9 × 10⁻¹ q1 q2 r² न्यूटन, ये फार्मूला हमारे पास कूलाम्स लॉ का आया है। तो यूनिट चार्ज का मतलब होता है जब दो एक जैसे नेचर के और एक जैसे ही मैग्नीट्यूड के चार्जेस, यानी कि Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू एक Q, को एक दूसरे से एक फिक्स डिस्टेंस 1 मीटर पर अगर हम रख दें, समझ रहे हैं बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, दो सेम चार्जेस यानी कि सेम नेचर के, दोनों प्लस या दोनों माइनस, और उनका वैल्यू भी एक जैसा, ये 2 कूलाम का तो ये भी 2 कूलाम का, इसलिए दोनों को Q लिख दिया हमने, को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर अगर हम रख देंगे तब क्या होगा, तब इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव क्यों है ये आप समझ सकते हैं क्या, मुझे बताना पड़ेगा, आप समझते हैं ये, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं जैसा कि हम कह चुके हैं। तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है 9 × 10⁻¹ का दोस्तों, और तब ये दोनों चार्ज कहलाएंगे यूनिट चार्ज। देखिए यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, तो यूनिट चार्ज का मतलब क्या होगा, 1 कूलाम का चार्ज। और यही बात आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं यहाँ से, ये जो इक्वेशन आपके सामने है, अगर मैं इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ दोस्तों, एफ का वैल्यू 9 × 10⁻¹ बराबर में 9 × 10⁻¹
मल्टीप्लाई में क्यू वन और क्यू टू दोनों की जगह क्या क्यू, तो क्यू और क्यू क्यू का स्क्वायर, अपॉन में आर की जगह वन तो वन का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो 9 × 10⁻⁹ बराबर में 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में क्यू स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है दोस्तों। तो इस चीज को हम अब क्या लिख सकते हैं आगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो क्यू स्क्वायर हमारे पास अब है, ये क्यू स्क्वायर बराबर में क्या है वन, तो क्यू बराबर रूट में वन, और रूट से बाहर जब वन आएगा तो क्या लिखा जाएगा इसे, प्लस माइनस वन। देखिए दोस्तों, क्यू मतलब चार्ज, प्लस या माइनस का एक कूलम का चार्ज, यही यूनिट चार्ज होता है दोस्तों। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप यूनिट चार्ज की, देखिए ये डेफिनेशन आपके सामने है, इसे नोट कर सकते हैं आप या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डेफिनेशन यूनिट चार्ज की, जो कि कहती है इफ टू सिमिलर चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर कैप्ट एट ए डिस्टेंस 1 meter अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड एक्सपीरियंसेस ए रिपल्सिव फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ N, देन ईच चार्ज इज कॉल्ड यूनिट चार्ज। और यूनिट चार्ज का मतलब है एक कूलम का चार्ज, चाहे वो प्लस का हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और माइनस का हो तो यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो दोस्तों आज की बात हम यही ख़त्म करते हैं, आज हम कूलम्स लॉ के ऊपर लगभग सारी बात कर चुके हैं। एक बात और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कूलम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। एक तो ये नंबर वन कि कूलम्स लॉ केवल रेस्ट चार्जेस पर लागू होता है, मूविंग चार्जेस पर नहीं। और दूसरा, अगर आप दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को 10⁻⁵ मीटर से बढ़ा दें या फिर 10⁻⁵ मीटर से कम कर दें तो भी कूलम्स लॉ लागू नहीं होगा। ये लिमिटेशंस हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो दोस्तों अगला वीडियो हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।